हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AKTU के COP के रिज़ल्ट के बारे में, जो कि कैरी ओवर के पेपर जनवरी में हुए थे उससे रिलेटेड एक अपडेट है और रिज़ल्ट से रिलेटेड अपडेट है। और ये जेन्युइन न्यूज़ है जिसको आप सुनकर आपको पता चल जाएगा कि रिज़ल्ट कब तक आएंगे। तो अभी रिसेंटली जो AKTU के प्रीवियस VC वाइस चांसलर रह चुके हैं दिनेश पाठक सर ने एक ट्वीट किया था और वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने एक आर्टिकल भी जारी किया है जिस न्यूज़ चैनल के लिए वो काम करते हैं, तो उसमें साफ साफ यही लिखा है कि अभी तक कॉपी चेक नहीं हुई है और जो एजेंसी कॉपी चेक करने वाली थी वो दिसंबर में ही छोड़ के चली गई थी और बच्चों के पेपर जनवरी में हुए थे। तो इस वजह से COP का कॉन्टैक्ट जिस एजेंसी के पास था उसने अभी तक चेक नहीं करा था, इस वजह से रिज़ल्ट नहीं आया है। तो नई एजेंसी को हायर करने में कम से कम 1 से 1.5 महीने का टाइम लग जाएगा और इसी बीच में जैसे ही नई एजेंसी हायर हो जाती है वो चेक करेगी, उसके बाद जो रिज़ल्ट अपडेट करती है दूसरी एजेंसी होती है, तो वो ये सारी चीज़ों में लगभग 1 से 2 महीने का टाइम लग जाएगा। तो जितने लोगों के रिज़ल्ट अपडेटेड हैं, मतलब कि अवेटेड हैं, सॉरी अपडेटेड नहीं अवेटेड हैं, तो वो हो सकता है अक्टूबर के लास्ट तक या अक्टूबर से लास्ट अक्टूबर के 10 या 15 दिन पहले या आगे पीछे में आ जाएगा। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही हो। वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी।